बजट के माध्यम से राजस्थान का किस प्रकार से विकास हुआ है। राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने 2023 का जो बजट पेश किया है वो एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। राजस्थान में चाहे 19 नए जिले बनाने की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की बात करें, 100 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को फ्री देने की बात करें, 2000 यूनिट तक किसानों को, उपभोग करने वाले किसानों को बिजली फ्री देने की बात करें, ऐसी तमाम योजनाओं के बारे में, आगामी 24 तारीख से महंगाई राहत शिविर जो शुरू किए जा रहे हैं उस संबंध में भी चर्चा की जाएगी और हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो पाँचों के पाँचों ऐतिहासिक बजट है। और ये आप देखिए, पहली बार हो रहा है कि 2023 के फरवरी मार्च में जो बजट पेश किया गया उन सब कार्यों के टेंडर्स कर दिए गए हैं, ज़मीनें आवंटित कर दी गई है और काम धरातल पर शुरू हो गए हैं। पिछले चार बजट में भी जो घोषणाएं थी वो सारे काम चल रहे हैं और इस बजट के काम भी प्रारंभ कर दिए गए हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनका जो एक सकारात्मक सोच है जिसकी वजह से आज राजस्थान में विकास के ऐतिहासिक काम हुए इन 5 सालों में। पाटी साहब, अभी राजेंद्र गोड्डा जी कह रहे हैं कि उनका विदाई समारोह होगा आज, इस बारे में आपके क्या कहना है? कि वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन राजस्थान में, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार ने हमारी सरकार के कार्यों को आज देखिए, पड़ोसी राज्य हैं, देश के दूसरे राज्यों की सरकारें हैं, पंजाब की बात करें या दूसरे राज्यों की सरकारें, वो हमारे बजट को देख रही है, उनका अध्ययन कर रही है कि अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया है, आज राजस्थान का हर आदमी हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से खुश है। और यही कारण है कि आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी के लोग जन आक्रोश लेकर के जिलों में जा रहे हैं, लेकिन आप जन आक्रोश सभाओं की स्थिति देखिए, 1000, 2000, 500, 700 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं, लेकिन इनके जन आक्रोश एक तरह से उन सभाओं में आक्रोश दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में सकारात्मक इस बार रुख है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और हमारी सरकार आने वाले चुनाव में भी दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। महंगाई राहत को वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? देखिए, वैसे तो वोटों की राजनीति या वोट के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हमें राजस्थान की जनता ने जिस सोच के साथ हमें 2018 में राज करने का मौका दिया था, हमने जो वादे किए थे, हमने चुनाव जन घोषणा पत्र के माध्यम से हमने लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों पर खरा उतरना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी और उन वादों पर हमारी सरकार पूरी तरह से खरा उतरी है, न सिर्फ उन वादों पर बल्कि उससे ज़्यादा काम हमारी सरकार ने किए हैं। तो जनता निश्चित रूप से पिछले सरकार के 5 सालों के कामों को भी देखेगी और हमारे इन 5 सालों के कामकाज को भी देखेगी और जनता फैसला करेगी, और मुझे लगता है कि जनता अच्छा फैसला करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को दोबारा सत्ता में आने का और कांग्रेस को दोबारा राज में आने का मौका देगी।